अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग भी हैं पहले से काफ़ी ठीक और बेहतर। और जी थैंक यू सो मच, पिछला वीडियो मेरा बहुत अच्छा गया, आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया, बहुत कंसर्न दिखाते हैं आप लोग मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जी मैं अपने गुड मॉर्निंग हो चुकी है, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, ये मुझे बोलना होता है जो कि मैं हर बार भूल जाती हूँ। तो जी दिन की शुरुआत जैसे कि आपको पता है कि मैं करती हूँ अपनी यासीन शरीफ से, तो बस ये फजर का टाइम है और मैंने अपनी यासीन शरीफ और जो भी सूरतें मैं पढ़ती हूँ रेगुलर वो पढ़ के रख दी हैं। उसके बाद मैं रूटीन पे आऊँगी अपने, वही बच्चों को नहलाना धुलाना, खाना पीना जो भी है। आज का बहुत ही सिंपल और प्यारा सा व्लॉग है, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। तो जी यहाँ पर टाइम हो चुका है, अभी तो फजर का टाइम हो रहा है, फजर की नमाज़ के बाद मैं थोड़ा सो जाती हूँ क्योंकि मैं थक जाती हूँ और फिर पूरा दिन में ना लेटने को टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये सुबह सुबह अल्फिया का फजीदा चल रहा था। अल्फिया जब से बीमार पड़ी ना इतनी चिड़चिड़ी हो गई है, उसको कुछ भी बोलो ना आप वो इतना रोती है, रोते रोते ना वॉमिट कर देती है। तो बस वहाँ पर ये इनायत उसकी लेग पुलिंग करती है, तो उसकी टी शर्ट उतार दी इनायत ने और कहने की मैं तुम्हारा वीडियो बना रही हूँ, तो बस वो वही रो रही है कि मम्मा इसको बोलो मेरा वीडियो ना बनाए, आप ही को मना कर दो। आज बच्चे इस तरीके की शैतानियाँ करते ना, तो वैसे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है बट समटाइम मुझे बहुत प्यार आता है कि सबको शौक चढ़ रहा है व्लॉगिंग करने का, तो बस मैं इनायत को बोल रही रहने दे यार मत कर। तो बस अब टाइम हो चुका है, 10 बज रहे हैं और मैंने इनको नहाए नहीं करा दी है क्योंकि जिस हिसाब से अगर ये नहाएंगी नहीं तो ये मेरे को दिमाग ख़राब करेंगी। हालांकि अब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो मैं उसको गर्म पानी से नहला देती हूँ और इनके पापा तो मना करते हैं मत नहलाया करो यार, इसकी पसलियाँ चल रही हैं ये वो, लेकिन बस वही है कि फिर मैं उसको अच्छे से गर्म पानी से नहलाने के बाद और जो कैस्ट्रॉल होता है वो गर्म करके इनके सीने पर और पीछे पसलियों में लगा देती हूँ। जो उपचार हमें करने होते हैं ना वो कर देती हूँ, बट सबसे पहले मैं इनके लिए गर्म पानी से नहलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना बच्चे नहाए धोए मुझे अच्छे ही नहीं लगते हैं। बच्चों में से हल्की किसी भी नहीं की जो उनके प्रोडक्ट की खुशबू होती है ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर मैं उसको तैयार कर रही थी और यहाँ पर वो जो इसे शिद्दत से देख रही है ना, वो शिद्दत से अपना डोरीमोन देख रही थी। तो जब अल्फिया तैयार होती है ना तो उनको ऐसे डोरीमोन दिखाते हैं और ये जो कंघा करती हूँ ना मैं, उसको पता है, उसको अच्छा लगता है कि हाँ ऐसे तो करो ऐसे। और अल्फिया कर रही है आपको बहुत सारा सलाम दुआ। और यहाँ पर चल रहा है मैडम का नाश्ता क्योंकि नहाने धोने के बाद इनका सबसे पहला काम होता है ब्रेकफास्ट करने का और मूड होता है, तो आजकल हम इनको थोड़ा सा पढ़ने के लिए बिठा रहे हैं। आए दिन तो खैर ये बीमार पड़ती रहती हैं, इनका यही है कि ये मुझे नहीं लगता मेरी बेटी ये वाली ज़्यादा पढ़ेगी क्योंकि जब जब इसे पढ़ने पर बिठा जाता है। अच्छा जी, तो अब टाइम हो गया है शाम का, शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ मार्केट क्योंकि मार्केट जाना है, मम्मी को कुछ सामान दिलाना था। और जब तक हम लिबा के बर्थडे में चले नहीं जाते ना तो तैयारियां चलती रहेंगी और एक माँ के लिए तो वो सोचती है अपनी ना जान निकाल के बेटी को दे दे, कहीं कमी ना रह जाए, कोई किसी से शिकायत ना, जबकि वो लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, कोई शिकायत कुछ नहीं, वहाँ पर हमारा बहुत अच्छे से इंतज़ार हो रहा है और फ़ोन वगैरह आ रहे हैं, बट मम्मी का ये रहता है कि कहीं किसी चीज़ में कमी नहीं होनी चाहिए। और माशाल्लाह से हम मम्मी की 4 बेटियां हैं जिनकी 3 की शादी हो गई है और हमारी मम्मी ने किसी भी बेटी का अरमान कभी भी नहीं मारा। हर बेटी को जब भी उसको ज़रूरत होती है, मतलब जब भी ऐसी कोई भी फंक्शन होता है ना, तो मम्मा ने बढ़ चढ़ कर ही दिया है, कभी ऐसा नहीं कि उसको ज़्यादा दे दिया या उसको कम दे दिया। उनकी हमेशा से कोशिश होती है कि इक्वली सब में सारा चीज़ें जाएं और कुछ है, जबकि मैं यहाँ रहती हूँ मतलब ससुराल से अलग रहती हूँ, उसके बावजूद भी जब भी मेरे मतलब जो बच्चे होते हैं उनमें जो छठी झोचक जो भी होता है वो भी मम्मा ने पूरा दिया है। नियत के टाइम पे भी दिया था, उसका हकीका करा था तब भी मम्मी ने पूरा किया था और अल्फिया के टाइम पे भी दिया था। मम्मा मुझसे पूछती थी, मेरा और मम्मा का ऐसा रिश्ता है कि मैं अपने हिसाब से लेती हूँ चीज़ें, मैं मतलब इतना सारा उन्हीं करती हूँ मैं कि मेरे को अगर ज़रूरत होती है मैं वही चीज़ मम्मी को बोल देती हूँ तो वो मुझे मिल जाती है, चाहे वो मेरी एनिवर्सरी हो, मेरे बर्थडे हो, चाहे कुछ भी हो, तो मम्मा से बोल देते हैं कि हाँ मम्मा ये चीज़ की ज़रूरत है तो वो ले आती हैं हमारे लिए या मंगवा देती हैं, ये चीज़ होती है। अब वो पहले से काफ़ी बेहतर हैं, दे दो अब वो हाय गाइस कर दो ना, हाय गाइस कर रही हैं अब वो, हाय गाइस, इनायत यहाँ पड़ी हुई हैं। तो बस यही है,
बेटा मेरे ऊपर वॉमिट मत कर दिया, तू मैं ऐसी कर दिया मतलब पूरा मैं गंदी हो जाऊंगी इसके। एक दिन में 3-3, 4-4 जोड़ी कपड़े बदलने पड़ रहे हैं। मैंने आज वॉशिंग मशीन लगाई थी, पूरा काम करते करते वो ये 2 बज गए थे, 2 बजे तक मैं फ्री। बेबी नीचे उतरो, मम्मा को दद्दा हो रही है, नीचे बैठो। अभी खा रहे थे, अभी इनका चाय नाश्ता चल रहा था, लेकिन अब उठ के ये यहाँ पे क्या मिलते हैं, मूंढ़ी होते हैं छोटे बच्चे ना, कभी तो मन होता है तो बात कर लेते, कभी नहीं। तो बस यही था, हम जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए, अचार्य निकेतन, हम लोकल मार्केट मतलब जो हमारे एरिए की जो मार्केट है हम वहाँ जा रहे हैं। दरियागंज नहीं जा रहे हैं क्योंकि दरियागंज जा के थक गए, हालांकि अभी भी हमें तो मौका मिलना चाहिए, लेकिन अब हमने अपने मन को बहुत महसूस लिया। नहीं देखो, गरे गरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, टिकटन मेरी बेटी कितनी प्यारी लगती है चश्मा लगा के, बंदरिया लगती है बिल्कुल बंदरिया। अल्फिया का ना एक वो होता है, रात को जब इनको खांसी होती है ऐसा कुछ होता है, तो मैं इसको तेल लगा के फिर एक कपड़ा इसके ऊपर रख देती हूँ, तो अब इसको नाक से मतलब सांस नहीं आ रही थी, तो कल मैंने क्या करा, इसके नाक पे विक्स लगा के मास्क लगा दिया। तो मुझसे कहती है मम्मा मैं पूरी रात ऐसे ही सोऊंगा। मैंने कहा हाँ बेटा तुम पूरी रात अब ऐसे ही सोओगे, तुम फ्रूटी भी लेते हो, तुम ठंडा पानी भी लेते हो मांग के सबसे, अब तुम ऐसे सोओगे। और हमने अब डिसीजन ये लिया कि अब हम अल्फिया को मेडिसिन नहीं दिलाएंगे। पूरे 10 दिन हो गए मुझे इसको दवाइयाँ देते देते, इस डॉक्टर से उस डॉक्टर से, जो जैसा होता है, और घर के जतन जो है ना वो मैं प्रॉपर कर ली हूँ। मैडम को रोज़ बादाम भी दिया जाता है, मुनक्के का दूध भी दे रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से, वैसे तो जो हमारे जो डॉक्टर के वो होते हैं वो पूरा करती हैं, ये नॉर्मल पानी देना, ये पता नहीं कब इसने इनायत नहीं मुझे बताया कल कि मम्मा इसने ठंडा पानी पी लिया था, इस वजह से उसको फिर से खांसी हो रही है। तो बस इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा आज नहीं मेडिसिन लेने के लिए जाऊंगी कहीं पे भी। ठीक है अफू, आपको ऐसे ठीक होना होगा वरना लिबा के बर्थडे में नहीं जाएंगे। ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे ना दवाई से? तो यार महंगाई का क्या करें, हैं यहाँ पर इतने टमाटर, मतलब अभी एक मिनट मम्मा बात करेंगे, अभी एक मिनट शाम को। हमारे यहाँ टमाटर का जो है ना 80 रुपये केजी चल रहा है टमाटर, प्याज जो है वो 70 रुपये केजी चल रही है प्याज, मतलब इंसान गरीब इंसान कैसे खाए कैसे सर्वाइव करे, मतलब 80 रुपये किलो टमाटर। और मेरी तो हर चीज़ में टमाटर जाते ही जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ना बिना टमाटर की सब्जी, से बुलबुल के यहाँ पर ना बिना टमाटर की सब्जी बनती है, बट हमारे यहाँ पसंद ही नहीं करी जाती, क्योंकि हमारे यहाँ टमाटर के साथ ही बनती है, सूखी सब्जी हो या तरी वाली सब्जी हो जो भी हो। तो बहुत महंगाई आ रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई आ चुकी है कि बस हम क्या करें, आलू भी इतना महंगा हो रहा है, प्याज महंगे। और हाँ आज मैं भूल गई कैसे आप लोगों को पूछने के, तो जी जो मेरे नॉन मुस्लिम सिस्टर्स हैं उन सबको हैप्पी नवरात्र, क्योंकि नवरात्र शुरू हो चुकी हैं। आप लोगों के पूरे नवरात्र बहुत अच्छे तरीके से जाएं, आप लोग अपने अच्छे तरीके से अपने फेस्टिवल इंजॉय कीजिएगा। अगर मुझे कोई अगर टाइम मिला तो मैं इन नवरात्रों में कोई एक रेसिपी दूंगी नवरात्र स्पेशल, और अगर नहीं मिला तो मैं कोई वादा नहीं कर रही हूँ, मैं बाद में आपको रेसिपी दे दूंगी। पहले मैंने पिछले नवरात्रों में शायद एक बार सैगो वड़े और साबूदाने की खिचड़ी भी डाली थी, तो इसी तरीके से आप अपना इंजॉय करिएगा, जो भी आपको बेस्ट लगे फ्रूट्स खाइए, अपने आप को वीक मत करिएगा, प्रॉपर तरीके से मिल लीजिएगा, और अपने जो भी आपके जिस तरीके से तरीके, जैसे हमारे रमज़ान आते हैं हम प्रॉपरली उस तरीके से करते हैं, उसी तरीके से आपके भी नवरात्र आते हैं, तो आप उसको अच्छे से हेल्दी तरीके से सेलिब्रेट करिएगा। एंड हैप्पी नवरात्र आप लोगों को, सभी को मेरे और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्र। और आज मेरे ख्याल से आज फर्स्ट है, नहीं आज सेकेंड है, कल था फर्स्ट, आज फर्स्ट है। और मैं इसकी ना आपको रौनकें दिखाऊंगी नवरात्र की, हमारे यहाँ पर ना बहुत अच्छी रौनक लगती है जब हम अचानक के दिन जाते हैं ना, वहाँ पर माता की चुनरी और मटकियाँ और घास है। जो लोग नॉन मुस्लिम हैं उनको, और जो मुस्लिम से मैं उनको दिखाऊंगी कि जैसे नवरात्रि में किस तरीके से करा जाता, तो जितना हो सकेगा मैं वीडियो में शूट करने की कोशिश करूंगी और अचार निकेतन में दिखाती हूँ कैसे होता है। और पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगी, बट अभी मैं बहुत लेट हो रही हूँ, फिर मिलते हैं आपसे अचार निकेतन में। अगर कुछ शूट करने के लिए मिला, मेरी पूरी कोशिश होगी वीडियो बनाने की, और अगर नहीं बना पाई तो मैं आपको नॉर्मली अपनी कहानियाँ जो होती हैं जैसे हमने देखा है अभी तक, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। अच्छा जी, तो हम मार्केट की तरफ निकल चुके हैं, और मैंने कहा था ना कि मैं आपको यहाँ की रौनकें दिखाऊंगी, तो आप देख सकते हो वैसे ही मार्केट इतनी सजी, यहाँ पर से स्टार्ट हो जाती है, यही पूजा का सामान वगैरह जो भी होता है वो सब यहाँ मिलता है, और फेस्टिवल सीजन के कपड़े वगैरह सब कुछ यहाँ पे इजीली मिल जाता है।
अब मैंने घर पे खाना बना चुकी हूँ, क्योंकि मैं छोले बनाकर आई थी और आटा गूंद कर आई थी। बस अब जाके मैं फटाफट से पूरियां बना दूंगी तो हमारा डिनर भी हो जाएगा। तो हम जा रहे हैं गुड्डू के लिए कपड़े लेने के लिए, क्योंकि मम्मी ने सभी के कपड़े करे हैं। गुड्डू के कपड़े हम जिस शोरूम से लेते हैं शुरू से, वहीं से उनके कपड़े हमेशा जाते हैं। उनके क्या, मम्मी के सारे दामादों के कपड़े वहीं से आते हैं, और भाई अभी अपनी शॉपिंग उसी शोरूम से करते हैं। तो बस अब हम वहाँ जा रहे हैं उस शोरूम में, और गुड्डू के लेंगे, फिर उसके बाद परवेज़ के लिए लेंगे, क्योंकि परवेज़ और गुड्डू जो एक ही साइज़ के हैं। तो मतलब हमने साइज़ पूछ लिया था बुलबुल से, तो बस वहाँ पर जा रहे हैं। और मेंस में इतना मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आता, बट फिर भी कोशिश रहती है कि हाँ कुछ भी हो अच्छा सा ही हो। और मम्मी की चॉइस जो है ना वो बहुत अच्छी है, मम्मी को हर चीज़ की बड़े अच्छे से नॉलेज है, हर चीज़ का वो बहुत ही अच्छे तरीके से और बारीकी से देखते हैं। हम लोग जो है ना बस वहाँ ही देख लेते हैं, बट जब भी मैं मम्मी के साथ जाती हूँ एक नई चीज़ सीखने को मिलती है, एक नया चीज़ देखने को मिलता है कि आप किस तरीके से शॉपिंग करो, किस तरीके से आपको कपड़ा खरीदना चाहिए। कपड़ा क्या, कोई भी चीज़ खरीदो उसका वो कि मम्मी से सीख सीख के हम लोगों ने करी है। तो यहाँ से ही हमने लिया। अभी तो फिलहाल विंटर का बहुत सारा कलेक्शन आया हुआ है नया नया, बट मम्मी ने कहा नहीं मैं फॉर्मल थोड़ा सा रखूंगी को, तो मैं शर्ट और जीन्स ही लूंगी गुड्डू के लिए। और बस फिर यहाँ से गुड्डू के लिए और परवेज के लिए मम्मा ने लिए थे कपड़े। और अंकल जी जो है वो इस तरीके के नहीं पहनते हैं, तो उनके लिए कुछ हमने अलग लिया था। वो अलग तरीके के, वो मतलब जीन्स वगैरह नहीं पहनते, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो बहुत सिंपल है, तो इस तरीके के लिए उनके लिए अलग से लिए थे। तो सभी के घर के कपड़े हो चुके हैं। अब आप ये कहोगे कि आप लोग मम्मी से बहुत ज़्यादा करवाते करवाते, तो देखो जी कोई नहीं करवाता, ना कोई डिमांड होती है। ये मम्मा जो देती हैं अपनी खुशी से देती हैं सब बच्चों को, एक को नहीं, मैंने पहले भी बताया था सारे बच्चों को मिलता है। तो यहाँ पर फाइनली अब हम आ गए, मम्मा के साथ जाए कुछ खाना ऐसा हो नहीं सकता। तो मम्मा के साथ जाके मम्मा ने कहा चलो टिक्की खा लो, तो मैंने मना करा कि नहीं मम्मा रहने दो, फिर मम्मा ने कहा नहीं नहीं और वो हमेशा पूछ पूछ के खिलाती हैं और हमेशा दे। और मेरे लिए ना ये मोमेंट बहुत अच्छा होता है, तो मैं मम्मा को बोल रही थी मम्मा आप पता नानी की तरह लग रहे थे, तो मम्मा कहने लगी कि नहीं मैं ना अपनी नानी की तरह लग रही थी, आपने देखा नहीं है। मैंने कहा अच्छा मैंने देखा है उनका। तो बस यहाँ पर मम्मा और मैं एक ही प्लेट शेयर करते, क्योंकि हमारे बस की नहीं है अलग अलग प्लेट करना। और इसमें भी ना मम्मा छोड़ देती है कि नहीं मुझसे नहीं खाया जा रहा, मुझसे नहीं खाया जा रहा। वो बहुत कम डाइट लेती है अपनी, बहुत कम। तो हम आ चुके हैं हम यहाँ पर, ये है हमारे यहाँ का अजय विजय की शॉप, जहाँ पर कॉस्मेटिक बहुत ही अच्छा और ब्रांडेड मिलता है। तो यहाँ से मम्मा को दिलाना था एक लैक्मे का काजल और पोन्स की क्रीम। तो बस ये यहाँ पर से हमने अपने मम्मा को सामान दिला चुके हैं, अब हम घर जाएंगे, घर पे बनाएंगे खाना। तो बस यही तक का था आज का मेरा वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। और मम्मा ने जब, मैं पता है मम्मा को लेकर आ रही थी ना, तो मैंने कहा मम्मा लाओ आज मेरा, आप ना मेरा हाथ पकड़ लो। तो मैं मम्मा का हाथ पकड़ के जब रोड क्रॉस करा रही थी, तो मम्मा एक गाना गाती, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, तो कहती कभी उंगली पकड़ के हम तुम्हें चलना सिखाते थे, आज उंगली पकड़ के हमारे बच्चे हमें चलना सिखा रहे हैं। अच्छा जी, तो अब घर आ चुके हैं और सबका डिनर होने के बाद अब बारी है मेरे डिनर करने की। तो ये बनाई मैंने अपनी और अल्फिया की थाली, इसमें आम का अचार है, प्याज के स्लाइस हैं, पूरी है और है छोले की सब्जी, जो कि बहुत यम्मी बनी थी। आ जाइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए मेरे साथ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। आपको पसंद आए तो क्या करना चाहिए, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।